क्या आप जानते हो कि इंसान की चेतना कहें या कॉन्शियसनेस की एक खासियत यह भी होती है कि जब वह पावर में आती है तो वह इंसान का संबंध इस दुनिया में मौजूद हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाली हर चीज से जोड़ देती है और ऐसे इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करके रख देती है। लेकिन अब एक सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि फिर हम कैसे अपनी इस चेतना को पावर में ला सकते हैं और ये कैसे संभव है। आज इसी के एक तरीके के बारे में बात करेंगे जिसके लिए कि हमारे द्वारा खाया जाने वाला फूड ही जिम्मेवार होता है, जिसको हम अपना खाना, भोजन या फूड कहते हैं। इसलिए अब अगर चेतना का संबंध आपके द्वारा खाए जाने वाले खाने के बेस पर देखा जाए तो जब भी आपकी चेतना पावर में आएगी तो एक बात तो पक्की है कि आप अपने खाए जाने वाले फूड के प्रति और अपनी सेहत के प्रति बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाओगे और तब आप सबसे ज्यादा वही फूड खाने के लिए चूज करोगे जिनसे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहे और आपके सोचने, समझने और महसूस करने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रह सके। इसलिए अगर आपके फूड को चेतना के अनुसार लो से हाई फ्रिक्वेंसी पर ले जाने की तरफ से बात करें तो अगर आपका मन बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड आदि खाने का करता है तो तब जो फ्रिक्वेंसी आपकी चेतना तक पहुंचती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस्ड फूड को कई स्टेज पर पकाकर तैयार किया जाता है। इसलिए इस तरह के खाने में टेस्ट तो हो सकता है मगर एनर्जी और चेतना के लिए फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसलिए जब भी आपका मन इस तरह के खाने के लिए करेगा तो आपकी चेतना को इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आप चेतना के लेवल पर कोई ज्यादा विकास नहीं कर पाओगे। इसलिए अब अगर दूसरे तरह के फूड की बात करें तो जिसमें कि हम हर तरह के मीट को ले सकते हैं, तो इस तरह के फूड में हमें लगता तो है कि हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है। तो इस प्रकार का फूड बॉडी और प्रोटीन के हिसाब से तो एक बार ठीक भी कहा जा सकता है, लेकिन चेतना के अनुसार फ्रिक्वेंसी इसकी भी बहुत ज्यादा कम होती है। इसलिए इस तरह के फूड को भी चेतना तब खाने के लिए रिजेक्ट कर देती है जब वह अपनी पूरी पावर में होती है। और अब अगर तीसरे तरह के फूड की बात करें तो इसमें हम सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं और इस तरह के फूड की फ्रिक्वेंसी हम मीडियम लेवल की कह सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स का यूज कोई भी इंसान अपनी चेतना के लेवल को स्टेबल रखने के लिए कर सकता है, जिससे कि उसका माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही एक बैलेंस बनाकर चलने के लिए काफी है। इसलिए इस तरह के फूड को बॉडी माइंड के लिए तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है मगर चेतना के अकॉर्डिंग यह भी बस ठीक ठाक ही होता है। इसलिए चेतना को सही से एक्सपेंड करने के लिए आपको चौथे और पांचवें तरह के फूड की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि हम चौथे नंबर पर हर तरह की पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली अनाज, सब्जी आदि को रख सकते हैं। और इस तरह के फूड की एनर्जी चेतना के हिसाब से काफी हाई होती है, जो किसी भी इंसान की चेतना को एक्सपेंड करने में पूरी मदद करती है, जिसमें बहुत से अनाज और वेजिटेबल्स आदि को पकाकर खाया जाता है। लेकिन पांचवें तरह का फूड चेतना को एक्सपेंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरह का कहा जा सकता है, जिसमें से लगभग सारी चीजें प्राप्त तो पेड़ पौधों से ही होती है मगर इनको पकाकर नहीं खाया जाता है और इन्हीं को जिंदा फूड भी कहा जाता है, जिसमें कि हर तरह के फल या वे बीज या अनाज आते हैं जिनको सीधे ही या पानी में भिगोकर खाया जाता है। और इसी तरह के फूड की फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज्यादा हाई होती है और जब किसी की चेतना अपनी पूरी पावर में होती है तो वह उसको इसी तरह के फूड खाने के लिए सबसे ज्यादा मजबूर भी करती है और साथ ही ऐसा इंसान खुद भी इस तरह के फूड को खाने के लिए सबसे ज्यादा प्रीफर करने लगता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चेतना या माइंड का सही से विस्तार हो सके और आपके सोचने समझने की क्षमता का बहुत ज्यादा विकास हो सके तो आपको पहले दूसरे नंबर के फूड को अपनी डाइट से अलविदा कहने की जरूरत है या बहुत ज्यादा कम कर देने की जरूरत है और साथ ही सबसे ज्यादा चौथे और पांचवें नंबर के फूड को अपनी डाइट में अपनाने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको इसके रिजल्ट हमेशा ही हैरान करने वाले मिलेंगे, जो कि आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों के ही लेवल पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं, तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।